हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू बैक माय चैनल। तो जैसे कि हम उत्तराखंड की वादियों में घूमने आए थे, आप सभी को पता ही है। तो अब हम चल रहे हैं आज उत्तराखंड की जो न्याय देवता हैं, गुलजू महाराज। तो गुलजू महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं, तो चलिए आप सभी को भी हम गुलजू महाराज के दर्शन कराते हैं। तो मिलते हैं आगे। भीड़ है, गोल घूम के जाना पड़ेगा। भीड़ है, सबसे ज्यादा भीड़। लेकिन कोई बात नहीं, दरबार में पहुंच गए हैं हम। भीड़ देखिए कहां से कहां पहुंच चुके हैं, इतनी भीड़ है। ये देखो, हमें हमारे गांव के सदस्य मिल गए। नमस्कार नमस्कार। मीनाक्षी को लगा दिया लाइन में, फिर हम जाएंगे अब। ये देखिए भीड़ देखिए, कितनी भीड़ है। ये देखिए, माय गॉड, भीड़ देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के न्याय देवता श्री महाराज गुलजू महाराज जी के दरबार में। इतनी सारी भीड़ है, देखिए लाइन कहां से कहां पहुंच गई है। हमारी लाइन में यही दो तीन जने लगे हैं, यहां पहुंचे हुए हैं ये। और ये देखिए अभी बहुत आगे हैं, इसे कम से कम एक घंटे बाद नंबर आएगा। और लेकिन ये है मंदिर, घंटियों और चिट्ठियों से पूरा मंदिर भरा हुआ है। देखिए प्रत्येक घंटी के ऊपर एक गांठ है और एक चिट्ठी है। देखिए दोस्तों, ये देखिए एक गांठ और एक चिट्ठी है। चिट्ठी वाला मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि हर कोई अपनी समस्या लिख के जाता है। न्याय देवता है, तो जैसे कोर्ट कचहरी में न्याय, घंटियों वाला मंदिर, चिट्ठियों वाला मंदिर। इतने पुराने ज़माने से घंटियाँ बनी हुई हैं। देखिए दोस्तों, देखिए आपको, ये देखिए दोस्तों, पूरी पूरी घंटी वाला मंदिर। वहाँ देखिए और ज़्यादा पुरानी पुरानी घंटियाँ हैं। देखिए जैसी जिसने लगाई, वैसी की वैसी। कोई भी घंटी को ना बेचता है ना कुछ करता है, बिल्कुल ऐसे ही महाराज के चरणों में विराजमान ही घंटियाँ। सबकी आस्था है, सब अपनी शिकायतें, अपनी परेशानी न्याय देवता गुरु देवता के मंदिर में लगा के जाते हैं गुहार। और इन सब की मनोकामना पूरी होती है, आप लोगों की भी पूरी होती है।
मेरा तो अंदर चल गया। हाथ जोड़ फिर, अब इसकी बारी दोस्तों। दोबारा हाथ लगा, दोबारा दोस्तों। अब हमारी पूजा वूजा हो गई है बुरा साल मंदिर में श्री गुरुजी महाराज के दरबार में, तो अब हम जा रहे हैं घर को, अभी घर को नहीं सॉरी मंदिर से नीचे उतर रहे हैं और